रोहित कुमार शर्मा है, मेरी स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान के बगल से मतलब एक दुकान सिंगल साहब की है, उनके सामने डंपर सुबह 5:30 बजे कचरे की गाड़ी तो को डाल के गया है। अब ये नगर पालिका का क्या मंशा है कि किस तरीके से डाला है कि ये दुकानों को बंद कर दें या अंदर कूड़े को डालना चाहते हैं, तो हम दुकान को खाली करके अंदर कचरा डालना चालू कर दें। नगर पालिका को फोन किया, ईओ को फोन किया, ईओ साहब ने फोन अभी तक नहीं उठाया, कलेक्टर साहब ने फोन उठाया, उनके संज्ञान में आया है। अब कार्रवाई किस प्रकार की करते हैं वो डीएम जाने अपना। अब हमारा जो काम था वो कर दिया है, क्योंकि हमको दुकान खोलना है, दुकान खोलने पहले मतलब कचरा साफ करना होना तो होता है, लेकिन नगर पालिका कोई प्रकार का कोई कर्मचारी कोई नहीं आया है हमारे पास। मेरा नाम राजेश शर्मा, मैं जब सुबह 6 बजे आया तो मेरी दुकान के सामने डे लगा हुआ खुला निकला, फिर तो मैंने जेसीबी उड़ा करके उसे हटा दिया। बदबू आ रही है, ग्राहक लोग आ रहे हैं वो भी नहीं रुक पाते। राजेश शर्मा, सुबह जब दुकान है मेरी यहाँ पे, मैं दुकान पे आया सुबह तो मैंने देखा कि कचरे का ढेर लगा हुआ है, नगर पालिका डाल गई है। मैंने ईओ साहब के लिए कॉल किया, ईओ साहब ने फोन नहीं उठाया, एसआई के लिए फोन किया उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, जेईएन ने फोन नहीं उठाया, कलेक्टर साहब के लिए फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, वो बोल रहे थे कि मैं दिखवाता हूँ।